आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, अनीता'स मदर स्टार्ट्स अ न्यू शो शॉप, है ना, शू शॉप, टू डिस्प्ले द शूज शी पुट 3 pairs इन द फर्स्ट रो, 5 pairs इन द सेकंड रो, 7 pairs इन द थर्ड रो एंड सो ऑन. ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. तो देखो उसने क्या कहा है स्टार्टिंग में कि फर्स्ट रो के अंदर कितने पेयर्स हैं, 3. तो दैट मींस ए इज 3. ए इज इक्वल टू वी कैन से इज 3. फिर देखो 5 pairs इन सेकंड रो, दैट मींस ए 2 इज 5. नेक्स्ट 7 pairs इन थर्ड रो, तो ए 3, दैट इज इक्वल टू 7. तो ये आपका एक एपी है 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, दैट इज योर डी. तो डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a2 - a1, दैट इज इक्वल टू देखो कितना है, 5 - 3, दैट इज इक्वल टू 2. तो D इज 2. अब देखो क्वेश्चन इसने क्या पूछे, इफ शी पुट्स अ टोटल ऑफ 120 pairs ऑफ शू देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड. इसने क्या कहा कि उसके पास में कितने पेयर है, टोटल कितने हैं, 120 pairs, टोटल इज 120, और आपको कैसे फिट करना है, दे आर इन रोज. ठीक है, तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, सम फॉर्मूला. तो वो क्या होता है आपका, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी. ठीक है, तो ये आपका सम फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो. तो सम इज 120, तो यहां पर आपका आ जाएगा 120 इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a, 2a इज 2 इंटू 3 इज 6 प्लस एन माइनस 1 एंड d इज 2. ठीक है, आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो क्या हो जाएगा 240 इज इक्वल टू एन एंड यहां पर कितना हो गया, 6 + 2n - 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n - 2. तो अब इसकी वैल्यू देखो कितने हो गए, यहां पर n और ये हो गया 6 - 2 = 4, 4 + 2n That is equal to, we can say is 4n plus 2n square. और ये वाली वैल्यू भी हम इस साइड में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, -240. That is equal to 0. तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और देखो सब 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, है ना, ऑल आर इवन, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 2n स्क्वायर का n स्क्वायर प्लस 4n का 2n और ये -120, दैट गिव्स यू 0. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 120 के फैक्टर्स निकाल के, 120 के फैक्टर्स निकालने हैं जो कि आपको क्या बनेगा, 120 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 260 230 215 35. आपको मिडिल टर्म बनाना है 2, तो क्या आ जाएगा, देखो 10 and 12, है ना, तो ये आपका आ गया एन स्क्वायर
प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 दैट गिव्स यू जीरो। ये दोनों में कॉमन क्या है, n स्क्वायर प्लस 12n में n, तो n इज कॉमन, तो आपका क्या हो गया n प्लस 12, ठीक है। और यहां पर कॉमन क्या है, माइनस 10, तो अगेन आपका आ गया n प्लस 12 दैट गिव्स यू जीरो। दैट मीन्स दैट आपका क्या हो गया, n माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो एंड n प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो n माइनस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज 10, है ना। तो हमारी वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 10 कॉमा, और यहां पर क्या आ गया, n इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। अब देखो आपके रोज माइनस में नहीं हो सकते, आपके जो रोज है वी कैन काउंट देम इजीली, तो वो माइनस में नहीं हो सकते, उसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 10। तो दिस इसको आपको क्या करना है, इग्नोर इट, है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दैट, n इज 10, तो दैट मीन्स 10 रोज आपके पास में होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड इज 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसने क्या बोला है, वॉट इज द डिफरेंस ऑफ पेयर ऑफ शूज इन 17th रो एंड द 10th रो, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, तो पहले है आपका 17 वाला, ए सेवनटीन दैट इज इक्वल टू ए प्लस 17 एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका 16d और माइनस आपको करना है 10th रो का, तो क्या हो जाएगा a 10 दैट इज इक्वल टू a प्लस 9d। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a इज 3 प्लस 16 इंटू डी इज 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 16 इंटू 2 इज 16 टू द 32 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 32 इज 35, ठीक है। तो आपका 17th रो का कितने है 35, 10th रो के निकालते हैं तो ये है 3 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 21। अब माइनस करो तो 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1, तो 14, तो आपका डिफरेंस ऑफ पेयर इज 14, ठीक है। तो वी कैन राइट 14 पेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।